नमस्ते दोस्तों। नमस्ते, मैं शिल्पा भोसकर, मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरे पति आशीष भोसकर एक आईटी प्रोफेशनल है। यस, तो जैसे इन्होंने बोला मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और अभी फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो मार्च महीने में हम दोनों कोविड पॉजिटिव हुए थे, करीब करीब 12 मार्च के आसपास मेरा रिपोर्ट आया। तो फिर इनका, मेरे वाइफ का भी और पिताजी का भी रिपोर्ट हमने कराया, तो पिताजी का लकीली नेगेटिव था। और जैसे ही हमने समझा कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं दोनों, तो वैसे तो हम लोग काफ़ी सालों से ले रहे हैं सब सप्लीमेंट्स और वेस्टिज के सप्लीमेंट, जिसको को पता ही है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे हमको समझा तो हमने ये डोसेज जो है उसको ऑलमोस्ट तिगुना कर दिया। हम लोग जो सुबह शाम लेते थे पार्शली, यानी तो हमने क्या किया, तीन बार लिए वो, और वो तीन बार लेते हुए डोज को ऑलमोस्ट दुगुना कर दिया। और इसके साथ ही हमने एयर प्योरीफायर भी यूज़ किया वेस्टिज का। तो और पिताजी को भी, हालांकि वो नेगेटिव थे, लेकिन उनको भी हमने ये जो डोसेज है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल ही दिया हमारे जैसे ही। उससे क्या, वो उनको तो नेगेटिव थे ही और हमने प्रिकॉशंस भी लिए, तो हमने ये इंश्योर किया कि उनको इन्फेक्शन हमारा ना हो। और उनकी उम्र देखा जाए तो करीब करीब 80 साल है और उस वक्त उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो अभी शिल्पा जी बोलेंगे कि सप्लीमेंट्स कौन से लिए और कैसे हमने उसको हमारा फ़ायदा हुआ उन सप्लीमेंट्स का। यस, सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी मैं कि हमने कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए थे। तो ये एक है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि हमारे सेल्स काफ़ी सारे डैमेज हो जाते हैं, तो नए सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है। और हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग नॉनवेज कुछ भी नहीं खाते हैं, तो स्पेशली हमने प्रोटीन का डोसेज इंक्रीज कर दिया था। और हमारे डॉक्टर ने स्पेशली बोला कि मल्टीविटामिन और प्रोटीन ज़्यादा लो, उन्होंने बोले कि अंडा हो, हम लोग बोले अंडा खाते नहीं हम लोग, इसलिए हमने ये इसको तीन बार लिया ये प्रोटीन। फिर हमने नोनी लिया, नोनी में एंटीवायरल और फीवर वगैरह कम करने के सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वायरल लोड कम करने का काम नोनी करता है, तो हमने नोनी का डोसेज भी ट्रिपल कर दिया अपना। फिर हमने करक्यूमिन लिया, करक्यूमिन जो है इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी में जो भी हो, और हमारे लंग्स के डेब्रीज वगैरह क्लियर करने में वो काम करता है, तो हमने करक्यूमिन लिया। फिर हमने रेस्पोकेयर लिया, रेस्पोकेयर अगेन हमारा लंग में जो भी इन्फेक्शन है वो कम करने का काम करता है, तो रेस्पोकेयर भी हमने तीन तीन बार लिया। फिर हमने सीबकथॉन लिया, सीबकथॉन में काफ़ी सारे विटामिन्स, मिनरल्स और गुड फैट्स है जो बहुत इसेंशियल है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तो हमने सीबकथॉन भी लिया था ट्रिपल डोसेज में। और फिर हमने हार्ट, अपना हार्ट रेट मतलब पल्स जो काफ़ी बढ़े हुए रहते हैं नॉर्मली कोविड के टाइम में, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए कोएंजाइम Q10 भी लिया। तो स्टार्टिंग में जो पल्स रेट 110 वगैरह आ रहा था, वो धीरे धीरे 4-5 दिन में एकदम 75 तक नॉर्मलाइज हो गया। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हमने लिए थे। और एक चीज़ में इसमें ऐड करना है कि इसके अलावा रोज़ रात को हम लोग 3 कैनोडर्मल लेते थे रात को, और नोनी हम लोग सुबह लेते थे, वो साथ यहाँ पे है नहीं कैनोडर्मल, राइट? तो उसका भी बता दीजिए कि उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होता है, गैनोडर्मा का यूज़ क्या है इफेक्ट? यस, तो गैनोडर्मा जो है हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, इन्फेक्शन की वजह से जो टॉक्सिन्स बने हैं, ब्लड सेल्स डैमेज होने की वजह से जो टॉक्सिन्स अंदर बढ़ रहे हैं, तो उसको निकालने का काम गैनोडर्मा करता है, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पर रहा। तो सप्लीमेंट्स ने तो काम कर ही दिखा है अपना जादू, कि हम लोग ऑलमोस्ट 5 दिन में रिकवर हो गए, और 8 से 9 दिन में हम अपना फिर अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दिया था। जो वीकनेस था वो भी निकल गया, वीकनेस वगैरह भी जो था वो पूरा निकल गया। और क्वारंटाइन पीरियड में हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे, तो हमारा, हम लोग अभी वेस्टी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो हमारा जो विनिंग टीम का सपोर्ट है, भारिल सर का सपोर्ट है, और स्पेशली हमारे जो मेंटर है प्रांजलि ताई और लक्ष्मण सर, तो उनकी बदौलत हमारा जो ब्रांच डायरेक्टर का लेवल था वो भी हम मेंटेन कर पाए। यस, तो ये एक स्पेशल मेंशन करना था।
सो थैंक यू विनिंग टीम, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू वारियर सर, थैंक यू लक्ष्मण सर एंड पांजलिका जी. यस एब्सोल्युटली. विश यू वेल्थ. थैंक यू. विश यू वेल्थ.